फोर थ्री एक्स यूज करे सिंगल टैप से, अगर वो ऊपर जो प्लेयर नॉकडाउन है किल कंफर्म हो जाए टीएसएम एंटिटी के। बट देखते हैं फाइनल्स, अगर वो तीन प्लेयर आ गए टीएसएम एंटिटी के तो देखते हैं एक एक अलग ही लेवल का डोमिनेशन देखने को मिलेगा, बिकॉज स्टार्टिंग में उन्होंने क्लच गॉड जल्दी खो दिया था, बट तीन प्लेयर यहाँ पे जॉनथन का किल कंफर्म होता है, सो दे विल बी प्लेइंग टू मैन स्क्वाड फ्रॉम हियर टीम नंबर 20। अभी देखते हैं किस तरीके से पोजिशनिंग लेती है यहाँ पे टीम एलिमेंट्रिक्स उस स्मोक बॉल के अंदर। अभी फिलहाल छुपे हुए एक डासिया का कवर उनके पास, बट वहां पे वाडू सर ने नॉकडाउन करे सेल्स के एमजे को। दोनों प्लेयर यहाँ पे बाकी जो बचे हुए जोन का डैमेज लेते हुए, बहुत ज्यादा डैमेज पड़ेगा, बट वहां पे वाडू सर खुद भी प्ले जोन से फिनिश होते हुए, एंड ट्रांस का भी यहाँ पे किल कंफर्म होगा और एंटो विल गेट अनदर किल। बहुत प्यारा यहाँ पे वाइप करा, डेड आई गाय का यहाँ पे खात्मा हो चुका है नाइन्थ पोजीशन पे, और उन लोगों ने 6 पॉइंट निकाले इस वाले मैच से, और एंटो प्रोन हो रखी है। अभी फिलहाल दलजीत नॉकडाउन हुए, एंटो 1 एचपी बचे हैं, उनको वापस से कवर लेना पड़ेगा, ही विल आल्सो गेट नॉकडाउन। वहाँ पे बैक टू बैक प्ले जोन के नॉक्स देखने को मिलेंगे आपको, नियो को यहाँ पे बैक स्टेप करा गया, एंड दलजीत विल गेट फिनिश। एक किल वहाँ पे लिया उन्होंने, ओआर मावी ने यहाँ पे नॉकडाउन करा था नियो को, एंड पूपू मैन ने यहाँ पे ओआर मावी का किल कंफर्म करा। तो उसी के साथ साथ ऑरेंज रॉक यहाँ पे बाहर जाती हुई 7वीं प्लेस पे, 6ठी पे यहाँ पे जाएगी, सेल्स 5वें पे यहाँ पे जाएगी टीम आईएनडी। फाइनल सर्कल में फाइनल 4 टीमें बची हुई हैं आपकी स्क्रीन के सामने। एक बार वापस से इतिहास को दोहराते हुए, युवम्बा का स्क्वाड इन द सेंटर ऑफ द सर्कल, दे आर रूलिंग राइट नाउ, बिकॉज वाला विकेंडी वाला मैप मेरी ख्याल से कोई इनसे नहीं छीन सकता। बिल्कुल, टीएसएम एंटिटी काफी अच्छे रन में, वो भी टीम लग रही थी, नियो और ज़ीगॉड बचते हुए एलिमेंट्रिक्स एक साइड पर, पावर हाउस के आइकॉनिक दोबारा से सोलो सर्वाइव करते हुए, और युवम्बा के चारों प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। अगर हम बात करें इस समय युवम्बा काफी अच्छे अपने कंपोजर में लग रही होगी टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स को, उनको पता है कि कहां पर उनको एलिमेंट्रिक्स के प्लेयर स्पॉट हो सकते हैं, एक गलत पीक यहां पर प्लेयर्स को डाउन कर सकता है, वो पहले से प्रीफायर देना शुरू कर चुके हैं ताकि स्मोक के अंदर कोई भी दिक्कत ना हो, एंड गाड़ी के अंदर बैठकर एलिमेंट्रिक्स निकलना चाहिए, मूव करना शुरू कर चुका है, आइकॉनिक को भी टाइम मिल चुका था थोड़ा सा आगे जाने का, गाड़ी ब्लास्ट होती है यूएमई 420 के थ्रू, एंड पूमैन का वहां पर सफाया होता हुआ, शगार बचते हैं, पर कितनी देर तक बच पाएंगे, ज्यादा देर नहीं होगी जब 420 को यहां पर दोनों एलिमेंट्रिक्स के किल मिल चुके हैं। नियो काफी कम हेल्थ में थे, प्ले जोन को लेकर जाएगा, सी गॉड यहां पर बचे हुए, एलिमेंट्रिक्स वहां पर डाउन हुई थी फोर्थ पोजिशन में, पावर हाउस के आइकॉनिक को भी प्रॉपर एरिया पर पहुंचना, उनकी भी हेल्थ काफी ज्यादा कम है। ये चिकन डिनर युवम्बा के हाथ में काफी प्यारे तरीके से आ सकता है, नियो वहां पर पिकऑफ हो चुके हैं, प्ले जोन को उनका किल मिलता हुआ, सो नो डाउट कोई भी पॉइंट तो ऐसे नहीं मिलेगा इस टीम को। आइकॉनिक काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, बट हेल्थ के मामले में काफी ज्यादा कम है। सीगॉड यहां पर फर्स्ट स्टेट लगाते हुए बीच में वो काफी लो किया था, पर पावर हाउस का सफाया थर्ड पोजीशन पर, और टीएसएम एंटिटी सीगॉड प्ले जोन से एक अलग लेवल की फाइट लेते हुए, क्या वो सर्कल में आ पाएंगे, बिकॉज उनके फर्स्ट स्टेट खत्म हो चुके हैं, अब बस मूवमेंट का टाइम आ चुका है, जैसे उनको स्पॉट किया जाएगा, एक प्लेयर को डाउन किया डेस्ट्रो को, दो प्लेयर को डाउन कर सकते, लेकिन अपना किल कंफर्म किया, एंड उसके बाद किल दिया युवम्बा को। बट एक बार वापस से युवम्बा यहाँ पे अपनी ऑडियंस को बिलीव कराते हुए कि क्यों वो लोग वापस से इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, एक और चिकन डिनर इन प्लेयर्स के नाम, डेस्ट्रो खुश है यहाँ पे, ओल्ड गाय जो कि एक एक्सपीरियंस बंदा यहाँ पे बैठा हुआ, भीष्मा की ओबी का डांस देख सकते हो आप कैमरा में, सो दिस इज आई थिंक समथिंग।